शूटिंग करी थी सलमान खान के साथ, तो आप जरा कुछ बताओगी कैसी आपकी शूटिंग रही? मैं सलमान खान का ड्रीम है क्या इमरान हाशमी के साथ टाइगर थ्री। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू फिजिकल लाइफ में। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम लोग आए हुए हैं नानी के घर पे और खाला का आज बर्थडे है, तो हम लोगों ने तो कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई है। तो नदीम ने फोन करा था कि अप्पी आ जाओ, हमें आज शादी में भी जाना है, इसलिए नदीम ने भी फोन करा कि आ जाओ फिर थोड़ी देर के लिए आ जाओ, खाला का बर्थडे सरप्राइज दे दूंगा मैं उनको। तो इसलिए हम लोग खाला के घर पे आए हैं, हमने कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई। तो चलो चलते हैं, अभी हम लोग खाला के घर पे आए हैं जीने में खड़े। मैं जीने में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अपने ऊपर जाऊँ। तो जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था, जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था बहुत प्यारा कार्ड था, तो उसी का आज शादी में हम लोग उसी शादी में जाने वाले हैं, तो हम सभी लोग जाएंगे। तो फिलहाल तो वो बाद में देखेंगे, अभी जल्दी से बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। मस्त लगाओ भैया, बताया भी नहीं किसी ने। चलो डॉक्टर आ गए, डॉक्टर कमाई आज की यही है, देखो कमाई हो रही है। तो ये मुमाई तरफ से मिल गई ना कमाई, जो को भी खिलाया जा रहा है। यहाँ पर बताओ, इतनी जल्दी किसी ने आज का बर्थडे मनाया मामू? इतनी जल्दी इतनी मजा आया और बर्थडे की रात सब लोग बहुत खुश है। हाँ, पर हमारी अम्मी नहीं है। हाँ, वो बहुत खुश होती। हाँ, नानी है नहीं, नानी किसी काम से बाहर गई है। नदीम भाई का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस केक खाने के लिए। हाँ, बढ़िया केक है तुम्हारा, बढ़िया ले लो, हम भी जरा थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं यहीं पर ही। भैया बर्थडे कल को नहीं खिलाया, घर जा रहे हैं और साथ में केक भी हमें मिल रहा है। देखिए साथ में केक भी लेके जा रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद खा रहे हैं और प्रसाद भी लेके जा रहे हैं। चलो फ्रेंड देखिए, मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं नानी घर से खाला का बर्थडे मना के हम लोग आए थे, तो बर्थडे मना के सीधे आके मैं नहाने चली गई, फिर नहाने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई और इतनी जल्दी ली थी, इस वजह से मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाई। अब सीधे बिल्कुल आपसे रेडी होकर मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने पहनी है साड़ी, आज मैंने साड़ी पहनी है, तो बताना कि मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो अभी हम लोग फ्रेंड जा रहे हैं, अभी हम दुकान पे आ गए हैं और हम लोग ना अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम ओला से जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो पता ही है भाई लेके गए हैं गाँव, तो हम लोग ओला से जाएंगे। अभी ओला बुक कर दी, उसी का वेट कर रहे हैं, जब वो आ जाएगी तब हम लोग जाएंगे। ये फ्रेंड्स सभी लोग वेट कर रहे हैं और ये माल आ चुका है, और हम लोग दुकान से हैं, इधर माल आ गया और ये अयान भाई जा रहे हैं। अयान कितना टाइम लगेगा ओला को? 5-10 लगेंगे। और ये आप बड़े शांत है, मुँह नहीं छुपा रहे, वरना तो वीडियो खोलो वैसे ही करने लगेंगे। मेरी वीडियो मत बनाना। क्या हो गया है वसीम भाई? चलो अब तो क्या हुआ, अब तो देख ही लिया एक बार है, कर सकते ना। एक बार देखो तो चाहे 100 बार देखो। ये देखिए हमारी ओला आ चुकी है और फ्रेंड्स अभी हम लोग सब बैठने जा रहे हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये
देखिए सबसे पहले मैंने ट्राई करा पनीर टिक्का और इट्स अ वेरी डिलीशियस। तो फिर मैंने ड्रिंक ली, एक ये नारियल पानी की ड्रिंक थी और अनम ने ऑरेंज ड्रिंक ली थी। और फिर हमने चिली पटेटो ट्राई करे। और फिर फ्रेंड्स कुछ वेटर्स आ रहे थे, वो फ्रूट्स लेकर आ रहे थे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, कीवी, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने गावा ट्राई करा क्योंकि मुझे बहुत गावा पसंद है। और फिर मैंने एक ड्रिंक ली, ये लेमन ड्रिंक थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मंचूरियन, काफ़ी सारी जो चीज़ें वेटर्स लेकर आ रहे थे तो ये मैंने मंचूरियन ट्राई करा, बहुत ही टेस्टी था। और अब्बू भी यहाँ पर मंचूरियन ही ट्राई कर रहे थे। हमने ये छोले कुलचे ट्राई करे और पाव भाजी ट्राई करी, ये मेरे हबी को बहुत पसंद है पाव भाजी। क्या पी रहे हो? शेक। शेक? यहाँ पर फ्रेंड्स सूप का स्टॉल लगा था, वेजिटेबल सूप, और काफ़ी तरीके के थे बट मैंने ट्राई नहीं करे क्योंकि मुझे सूप पसंद नहीं है। और मैं थोड़ी सी आगे की तरफ गई तो यहाँ पर गोलगप्पे का भी स्टॉल लगा था और गोलगप्पे तो मुझे अच्छे लगते तो मैंने ट्राई करे। ये डोसा ट्राई करा और सुभान भाई कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा हुआ था, ये स्टॉल बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था और मुझे इसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो फिर रहा नहीं जाता, वीडियो ही बना लेती हूँ मुझे अच्छी लगती है तो। और मैं थोड़ी सी आगे की तरफ गई तो यहाँ पर फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ ट्राई करी थी। पोमग्रेनेट पिज्जा खा लो। अभी शांति में बैठे आकर, उधर बहुत ज्यादा गाने बज रहे थे और सभी बाहर हैं अभी। Thank you.
देखिए इस तरफ को प्लेट्स मिल रही थी, तो हमने सबसे पहले प्लेट्स ली और फिर उसी के साइड में एक सलाद बार था जहाँ पे हमने सलाद लिए थोड़े से। और यहाँ पर डेकोरेशन इतनी खूबसूरत हुई हुई थी, सारे वेजिटेबल भी इतनी खूबसूरती से सजाए गए थे कि लोग ना देखने के लिए पास ज़रूर जाएं ऐसे, और उनको मतलब ले ही लें, चीज़ ट्राई ज़रूर करें। और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लेडीज़ थी, वो रोटी बना रही थी, घर वाली रोटियाँ ना, वो भी रोटियाँ थी यहाँ पर। इधर है दाल तड़का और ये है दही बल्ला, और इधर है वेज पुलाव। वेज पुलाव ले लो ना थोड़ा सा, चावल तो ऐसे है मेरी जान। एंड देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये शाही पनीर कढ़ी और लच्छा पराठा और चपाती और ये फ्राइड राइस खाए, फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने रोटी ली घर वाली और नूडल्स थे और शाही पनीर और रसमलाई थी, फिर थोड़ी से नूडल्स और दही बल्ले और शाही पनीर लिया हमने। और खाते खाते ये डेकोरेशन इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और फिर उसके बाद थोड़ा सा सभी लोगों ने खाया ये चपाती और ये आलू दम आलू थे और छोले थे और सरसों का साग था, इसके साथ मक्के की रोटी भी थी, पर मैंने वो मक्के की रोटी खा ली। और फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट पास्ता भी हम लेकर आए थे और 2 कलर्स के पास्ता थे, बट हमने वाइट पास्ता ही लिया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये सब ट्राई करा और बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही टेस्टी था और यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनसे मिलिए, ये हैं तमन्ना और ये हमारी रिलेटिव्स हैं और इन्होंने फ्रेंड्स हाल ही में शूटिंग करी है टाइगर 3 की और उसमें इनका रोल अदा करा है इन्होंने, और इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में रोल अदा करा है जो कि 2023 में बैक टू बैक आने वाली हैं। इन्होंने सारा अली खान के साथ भी मूवी करी है और उसमें उनका बचपन का रोल अदा करा है। तो फ्रेंड्स आप इनकी ज़ुबानी में सुन लीजिए कि इन्होंने किस किस मूवी में काम करा है। मैं ना ब्लॉगिंग करती हूँ, इसमें हेल्प करती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कुछ करना चाहिए लाइफ में ना। तो देखो फ्रेंड्स इन्होंने शूटिंग करी थी सलमान खान के साथ, तो आप जरा कुछ बताओगी कैसी आपकी शूटिंग रही? मेरी शूटिंग बहुत अच्छी रही थी, सलमान सर, कटरीना मैम, इमरान हाशमी सर बहुत अच्छे हैं सब, मतलब नेचर वाइज भी और मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं सब। और आपने कौन सी मूवी में करी शूटिंग? मैंने बहुत सारी मूवीज में करी है बट अभी रिलीज नहीं हुई है वो, अभी 2023 में एक साथ लगातार 10-12 बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है। वैसे मूवी का कोई नाम नहीं पता कौन सा? बता सकती हूँ वैसे, सलमान खान का कटरीना कैफ इमरान हाशमी के साथ टाइगर 3, और सारा अली खान के बचपन का रोल था मेरा गेस्ट लाइट में, वो अभी मार्च में रिलीज होगी गेस्ट लाइट। और तमन्ना भाटिया के साथ क्रिमिनल माइंड्स की थी, अभी नुशरत भरूचा और पीलू विद्यार्थी मैम के साथ वो करी थी अकेली। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना कामयाबी पे जाता है और अल्लाह सबको कामयाबी दे और उनके साथ साथ हमें भी कामयाबी अता करें, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर तमन्ना से। आप इनको सपोर्ट करना, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट वगैरह करना, शेयर करना। थैंक यू। अभी भी ट्राई कर रहे हैं। क्या खा रही हो? फ्रूट्स खा रही हो? इनका फूड चल रहा है। नहीं शाही पनीर अभी वाइट पनीर खाएंगे। ये देखिए ये इनका इतना पतला शरीर है, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं ऐसे, थैंक यू। ये देखो इतना पतला शरीर है नगमा, तुम कहाँ ले जा रही हो? यहाँ पे गिफ्ट भी मिला है, ये ले लो, रिटर्न गिफ्ट मिला है। सुभान भाई आ जाओ, हम ये कैसे लग रही है? तो फ्रेंड्स अभी हम सब लोग घर जा रहे हैं। We'll be right back.
देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो ये हमारी ओला भी आ गई है, वो चल रहे हम लोग। देखिए हम लोग अभी शादी में से आ चुके हैं और मैंने अपना मेकअप जल्दी से रिमूव कर दिया और बिल्कुल रिमूव करके बैठी हूँ। सबसे पहले मुझे ये गिफ्ट खोलना था, हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है, तो आप नगमा इधर पास से आइए फिर गिफ्ट दिखाते हैं क्या है। इसके पैकेज से पैक हुआ हुआ है तो ऐसे ही लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्वीट्स वगैरह ही है, और ये स्वीट्स ही है इसमें, स्पेशल बर्फी। तो चलो भाई इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या निकलेगा? कुछ मीठा निकलेगा, ये मीठा है, ये मीठा है, ये देखो, ये मीठा नहीं, एक मिनट, वेट, ये है क्या? ये कोई बर्फी सी है, ये अम्मी बता सकती है कौन सी बर्फी है। ये लो अम्मी, बेसन की बर्फी है, अच्छी बढ़िया है, माशाल्लाह शानदार दावत थी, खूब एंजॉय किया, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। अरे बहुत अच्छा लगा हमें शादी में, और बहुत ही अच्छा फंक्शन था, काफी अच्छा फंक्शन था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और हमने वहां पर इतना खाया वैसे हम लोगों ने जितना खाया नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज लेकर आती रही थी कि आप लोगों को मतलब ब्लॉग के लिए थोड़ा बहुत लाना ही पड़ेगा ना, पर हम लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा करके उसको फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड्स बस आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके शेयर कर दें, और अपनी फिजा को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।